भारत को दूसरे विश्व युद्ध में झोंकने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की चालाकी भरा दांव खेला, लेकिन वो भारत को पूर्ण स्वराज नहीं देना चाहती थी और कांग्रेस को पूर्ण स्वराज से कम कुछ मंजूर नहीं था। लिहाजा क्रिप्स मिशन को खारिज करके 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया, परंतु महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया। लिहाजा ब्रिटिश हुकूमत की इन हरकतों के विरोध में पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शनों के जत्थे नजर आने लगे। अरुणा असफ अली ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराकर आंदोलन को नई गति दी। हर तरफ सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराया जाने लगा। इसी क्रम में पटना में सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान 7 छात्र शहीद हो गए। ब्रिटिश हुकूमत ने आंदोलन से संबंधित खबरें प्रकाशित करने पर रोक लगा दी। वर्ष 1942 के अंत तक लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया और लगभग 10,000 लोग मारे गए। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जनता ने नेतृत्व अपने हाथ में लिया। एक जोश ऐसा था, मैं क्या कहूँ, हम हथियारबंद तो लोग थे नहीं उस वक्त, निहत्थे थे, मगर फिर भी जिस तरह से लोगों ने पुलिस का मुकाबला किया, फौज का मुकाबला किया, उसका बयान करना बहुत मुश्किल है। मगर इतना कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की औरतें और मर्द तय कर चुके थे, ये जो आग सुलगी है अब हम इसमें झुलस जाएंगे, मगर हम आज़ादी लेकर ही हटेंगे। और गांधी जी ने भी अपने संदेश में यही कहा, डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाली मानसिकता से हमें आज भी लड़ना है। ये लड़ाई हम तभी जीत पाएंगे जब हम एकजुट और भारत माता के प्रति प्रेम भाव मन में रखेंगे। अंग्रेज हुकूमत से लड़ते हुए हमारे पूर्वजों के मन में भी यही भाव थे। जय हिंद।